हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तीन फोन के वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे पास है 5T, 6T और ये OnePlus का 9 जिसमें हैसलब्लेड का कैमरा सेटअप आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन तीनों के फ़ोन की वीडियो अगर रिकॉर्ड करते हैं एक एक करके तो क्या डिफरेंस आप महसूस कर पाते हो। और अभी जो ऑडियो एंड वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है सैमसंग के A22 से, तो आपको एक वो भी आइडिया लग जाएगा एक सैमसंग वर्सेज OnePlus कैसी क्वालिटी जो है मिलने वाली है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये हो रही है OnePlus के 5T से, मतलब अराउंड 3-4 साल पुराना फ़ोन है ये। और ये अगर मैं बात करूँ, मेरी YouTube की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, उसी फ़ोन से हुई थी। और लगभग 1000 वीडियो तो मैंने बनाई दी है, शॉर्ट्स और फुल वीडियोज़ मिला के। तो मतलब फेस के कलर्स या फिर बैकग्राउंड का जो ग्रीन इफेक्ट्स है या ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है इस फ़ोन से, वो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे। तो चलिए काम कर लेते हैं। अब जो इसकी क्वालिटी तो आपने देख ही ली है, अब हम काम कर लेते हैं 6T से एक वीडियो जो है फुटेज जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों, इससे जो पहले वाली फुटेज आपने देखी थी वो 5T से रिकॉर्ड हुई थी, और ये जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है ना, ये हो रही है OnePlus के 6T से। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ तो वीडियो में आपने सैमसंग का ऑडियो सुन लिया, वीडियो देख लिया, क्वालिटी देख ली, OnePlus 5T का देख लिया, और ये 6T जो है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद आया हुआ फ़ोन था, तो अब इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो। तो अभी हमारे पास बचा है तीसरा फ़ोन 9, इसको कंपेयर करें। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, कि ऑडियो के रिसेप्शन के साथ साथ जो बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा कि कौन से कलर, मतलब कौन से फ़ोन के साथ एक बढ़िया वीडियो आउटपुट मिल रही है। और इस वीडियो का पर्पस जो है बेसिकली यही है कि मतलब इतनी जनरेशन पुराने फ़ोन भी, 3-3, 4-4 साल पुराने फ़ोन भी आज के टाइम पर अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो बनाने के लिए अगर यूज़ किया जाए तो कैसी क्वालिटी रहने वाली है, तो आपको एक बेटर आइडिया जो है मिल पाए। दोस्तों, ये जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है ये OnePlus के 9 से यूज़ हो रही है, हैसलब्लेड कैमरा का सेटअप है इसमें, और कलर्स कैसे आ रहे हैं, ऑडियो कैसे आ रही है, आप ज़्यादा बेटर जज कर पा रहे होंगे। लेकिन अब मैं अपना अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 5T या फिर इवन 6T के साथ मेरे को कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि अगर धूप में वीडियो बना रहे तो कभी हीट होने के कारण उनका कैमरा काम करना बंद कर जाए। लेकिन जब से मैंने 8T या फिर ये जो 9 यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें ये होता है कि ये फ़ोन अगर आप जैसे आप हरियाणा राजस्थान में अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया रखते हैं तो काफ़ी धूप हो जाती है यहाँ पे, इवन दिल्ली NCR में भी। और अगर आप धूप में कैमरा से कुछ भी शूट कर रहे हो ना, तो ये इतने हीट हो जाते हैं कि आपको अलाउ ही नहीं करते कैमरा से फोटोग्राफी करने के लिए या वीडियोग्राफी करने के लिए। मतलब शायद फोटोग्राफी अलाउ कर दें लेकिन वीडियोग्राफी के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, और ये कैमरा जो है बंद हो जाता है। तो पुराने फ़ोन्स का एक बेनिफिट भी था ये, मेरे मतलब मेरे हिसाब से। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और इस कैमरा की क्वालिटी कैसी है ऑडियो प्लस वीडियो वो आप कमेंट करके बताना। तो अब आपके पास तीनों जो सैंपल हैं वो बेसिकली कोई माइक वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है, तो तीनों नहीं, तीन नहीं बेसिकली 4 फ़ोन के सैंपल। फर्स्ट जो फुटेज आपने देखी वो सैमसंग के A22 की थी, सेकंड जो फुटेज थी वो OnePlus के 5T की, थर्ड फुटेज जो थी वो थी OnePlus के ही 6T की, और ये जो फाइनल फुटेज है ये आप देख रहे हो OnePlus 9 की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो भैया लाइक वाला बटन दबा देना। एक चीज़ है जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी, वो है सब्सक्राइब वाला बटन, वो इस साइड है, वो भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।